बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ऑडिटिंग के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं राइट्स ऑफ ऑडिटर्स। क्या राइट्स हैं ऑडिटर्स के, उनको आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017, फॉलिंग आर द राइट्स ऑफ ऑडिटर। ये राइट्स हैं ऑडिटर के। सबसे पहला है टू होल्ड ऑफिस। एन ऑडिटर वंस अपॉइंटेड बाई डायरेक्टर्स और बाई शेयर होल्डर्स और बाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेयर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग नॉर्मली 1 साल के लिए होती है। अब अगर ऑडिटर को फॉर एग्जाम्पल जनवरी में जो है वो अपॉइंट किया गया है, और अगली जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, वो अगले साल जनवरी में हो रही है, तो उसका मतलब पूरे 1 साल के लिए वो नॉमिनेट रहेगा अपने ऑफिस में, यानी काम करता रहेगा वो एज एन ऑडिटर। अगर उसकी अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल जुलाई 2021 में होती है और उसको जो है वो एजीएम हो रही है फिर अगेन जनवरी 1 में, तो वो फिर 6 महीने के लिए अपॉइंट होगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट एजीएम में उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो उसको जब एक दफा अपॉइंट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, या एसईसीपी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो नेक्स्ट एजीएम तक अपॉइंटेड ही रहता है। इसका पहला राइट है। सेकंड है एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल हैव अ राइट ऑफ एक्सेस टू ऑल टाइम टू द बुक्स, पेपर्स, वाउचर्स ऑफ द कंपनी, वेदर कैप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एल्सवेयर। ऑडिटर जो है इसका एक और राइट है, इसका एक और हक है कि जो भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट है, चाहे वो वाउचर्स हो, वो कोई कैश बुक हो, कोई और बुक्स हो, पेपर्स हो, कुछ भी हो, उनको उन तक उसकी रसाई होनी चाहिए, वो उनको इजीली उन पे एक्सेस करे। और क्योंकि जाहिर सी बात है उसका काम उनको चेक करना है, तो ये ना हो कि मैनेजमेंट जो है इदारे की, जहाँ वो ऑडिट पे गया है, वो उन चीज़ों को छुपाए। अब वो जितना भी मटेरियल है, चाहे वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा हुआ हो, हेड ऑफिस में रखा हुआ हो, या कहीं और रखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांच है वहां रखा हुआ हो, तो भी ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसकी रसाई, उसकी एक्सेस जो है वो तमाम चीजों तक हो। नंबर थर्ड, राइट टू कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन। ऑर्डर हैज अ राइट टू इंक्वायर फ्रॉम डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज ही थिंक्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। जो भी उसको जरूरी लगता है कि ये मालूमात, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है, मुझे मेरे काम में मददगार साबित होगी, तो वो ये इसका राइट है कि उसकी इंक्वायरी करे डायरेक्टर से, दूसरे ऑफिसर से कंपनी के, और ये उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करे, एक्सप्लेनेशन वगैरह हासिल करे, जो उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरी है। चौथे नंबर पर उसका राइट है एक्सेस टू बुक्स ऑफ ब्रांचेस। ऑडिटर हैज द राइट टू लुक इनटू द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेस अदर देन द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अलावा, जैसे ऊपर भी डिस्कस किया है, कुछ मटेरियल, कुछ बुक्स ब्रांचेस में मौजूद है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है, उनके पास अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती है, वो ब्रांच ऑफिस जा सकता है, वहाँ विजिट कर सकता है और वहाँ के रिकॉर्ड को कंफर्म कर सकता है, स्टेटमेंट्स ले सकता है, और उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद पांचवा जो राइट है उसका, रिसीव नोटिसेस। एन ऑडिटर हैज अ राइट टू रिसीव ऑल नोटिसेस रिलेटेड टू एनी जनरल मीटिंग व्हिच एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हर मीटिंग का नोटिस मिलता है, तो ऑडिटर का भी ये राइट है कि उसको भी वो तमाम नोटिसेस मिले जो दूसरे मेंबर्स को मिलते हैं, और ताकि वो उन मीटिंग्स में शिरकत कर सके जिन मीटिंग्स में उसकी एक बनती है जिम्मेदारी शिरकत करना। हर कंपनी के इजलास में जरूरी नहीं है कि ऑडिटर जो है वो शरीक हो, लेकिन जिनमें वो शरीक हो सकता है उसके मीटिंग के नोटिस उसको जरूर मिलने चाहिए। छठा राइट इसका है अटेंड
meetings, the auditor has a right to attend annual general meetings of the company. During meeting, there may be discussion about business accounts. The auditor has a right to make clarification. उसका एक और राइट ये है कि वो AGM एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की उस पे उनको अटेंड करे, उसमें शरीक हो और जो भी अकाउंट्स के हवाले से बात हो उस पर डिस्कशन करे, और उसको ये राइट है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशन वजाहत है जो जो देख सकता है वो वहाँ पे दे। फिर उसको एक और राइट है कि टू रीड रिपोर्ट इन मीटिंग, जो भी वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है वो मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट उसको रीड करे। एक और राइट उसका है साइन टू साइन रिपोर्ट, जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो ऑडिटर साइन करता है, ये उसका राइट है। सीक ओपिनियन, द ऑडिटर हैज राइट टू सीक ओपिनियन फ्रॉम एक्सपर्ट्स। एक और उसका राइट ये है कि अगर किसी मामले में वो कुछ ज़रूरत महसूस कर रहा हो कि किसी और एक्सपर्ट से, किसी और फील्ड के एक्सपर्ट से उसका ओपिनियन, उसकी राय भी ले, तो वो ये भी हासिल कर सकता है। जैसे कोई मशीनरी है या प्लांट है और उसके लिए किसी उसकी देखने के लिए किसी इंजीनियर की या मशीन एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है, तो वो भी वो ले सकता है। राइट टू बी असिस्टेड, इट इज़ अ राइट ऑफ द ऑडिटर दैट ही मस्ट बी असिस्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफिसर अदर अकाउंटिंग स्टाफ। व्हेन ऑडिटर इज नॉट असिस्टेड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट नोविंगली द कंसर्न मे बी फाइंड। जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और अकाउंटिंग स्टाफ है, उनकी जिम्मेदारी की असिस्ट करें, रहनुमाई करें ऑडिटर की और ड्यूरिंग ऑडिट, और अगर वो नहीं करते तो उन पर फाइन भी लग सकता है। फिर 11वां इस पे राइट है रिसीव रिम्यूनरेशन, मुआवजा लेने का भी राइट है। जाहिर सी बात है काम कर रहा है तो फिर उसको ऑडिट फी भी मिलेगी, एग्रीमेंट होता है। फिर राइट ऑफ लियन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ द ऑडिटर is not paid his audit fee, his right to retain the books of account. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि उसको उसकी फीस ना दी जाए, तो जो उसके पास रिकॉर्ड है वो अपने पास रख सकता है, और जब तक उसको मुआवजा अदा नहीं किया जाएगा वो अपने पास ही रखेगा उनको। मेक करेक्शन, द ऑडिटर हैज अ राइट टू मेक करेक्शन ऑफ एनी मिस्टेक, इफ देयर इज मिस्टेक देन ही कैन इशू अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट। ये भी उसका राइट है कि वो अपनी स्टेटमेंट में करेक्शन भी कर सकता है। फिर है सेल्फ जस्टिफिकेशन, इफ ऑडिटर इज रिमूव बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग, ही कैन जस्टिफाई हिज पोजीशन बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। अगर ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाता है करारदाद पेश करके, रेजोल्यूशन पास करके एनुअल जनरल मीटिंग में, ही कैन जस्टिफाई हिज पोजीशन बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। अपनी अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकता है वो, अब जाकर मीटिंग में बताया कि मुझे जो है क्यों रिमूव किया गया है। Right to be indemnified if any loss is sustained by auditor due to prosecution brought into action against him, such losses must be compensated if auditor had committed no default. Auditor को अगर कोई नुकसान हो रहा है किसी भी किस्म का, उसको अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको हटाया गया, तो फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। Such losses must be compensated if auditor had committed no default, अगर उसने कोई default नहीं किया है और उसको उसकी साख को, उसकी गुडविल को कोई नुकसान पहुंचा है, किसी और तरह की कोई फाइनेंशियली उसको नुकसान पहुंचा है, वो मैनेजमेंट उस लॉस को पूरा करेगी। तो ये कुछ राइट्स हैं ऑडिटर के अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह।